व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब जो है आप लोग के त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल साइड में रख के बस त्यौहार को एंजॉय करो। देखिए, साइड में थोड़ा सा लगभग 2 या 3 घंटे डेली अपना निकाल लीजिए। 24 घंटे में से कम इतना तो निकाल ही लेना चाहिए आई थिंक आप लोगों को, अगर आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी आप लोग के सारे त्यौहार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये करना है कोशिश कि मॉर्निंग में उठ के जल्दी से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, फिर उसके बाद में शाम को अपना जो भी त्यौहार है, जो भी फेस्टिवल है, उसको अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। तो आज 5 नवंबर है, काफी कुछ शानदार यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। करंट स्टैटिक्स प्लस पुराने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की डेट में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट पैटर्न में नजर आएंगे। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते थे, जैसे ओजोन लेयर के बारे में पूछ लिया जाता था कि ओजोन लेयर पृथ्वी को किस चीज से बचाती है, तो नॉर्मली आंसर क्या होता था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पर अब जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के भी अंदर घुस गए हैं कि कौन कौन सा पार्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जिससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, तो यहाँ पर आंसर है इसका बी और सी। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो ओजोन है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर हमारे एटमोस्फेयर की लेयर है, जो कि पृथ्वी के ऊपर जो हमारे ऊपर यहाँ एटमोस्फेयर होता है उसकी लेयर है। 0 से 12 के बीच में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, 12 से 50 के स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 के मीजो, 80 से 700 के ये है थर्मोस्फेयर, और यहाँ पर 700 से यह 10,000 किलोमीटर के बीच का ये एक्सोस्फेयर, यानी कि इसके बाद का। तो क्या क्या यहाँ पर है, क्लाउड्स वगैरह जो आप लोगों के बनते हैं वो इसी एरिया में बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं, अगर बात करें यहाँ पर ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, और यहाँ पर भी लोअर वाले पार्ट में देखने को मिलती है, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके लोअर वाले पार्ट में आप लोगों को ओजोन देखने को मिलती है। उल्का पिंड या फिर टूटता हुआ तारा जो आप लोग बोलते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर लगभग ये मीजोस्फीयर के आसपास में या फिर यहाँ आधा स्ट्रेटो या फिर इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सैटेलाइट कई बार पूछा जा चुका है, ये एक्सो में देखने को मिलता है। स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं वो थर्मो में रहते हैं, तो ये क्वेश्चन कई सारे आप लोगों से घुमा फिराकर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इसमें से 8 से 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। तो हल्का सा याद रखेंगे तो आराम से अटेम्प्ट आप लोग क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में। बायोफ्यूल कई तरीके के होते थे, स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिला था फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल थे वो उन चीजों से बनाए जाते थे जिनको हम लोग खाते थे, यानी कि ह्यूमन खाते थे, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये सलजम, मूली, गन्ने वगैरह, तो इससे बनाया जाता था। आज की डेट में जो सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें मेनली वर्क किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग नॉन जो हम लोग खाते नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जैसे लकड़ी हो गया, स्ट्रो हो गया या वेस्ट प्लास्टिक हो गया, तो इससे बनाई जा रही है, नॉन इडेबल जो आइटम है उससे आज किट में सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन इससे भी और एक आगे स्टेप पहुंच गए यहां पर, ये क्या है, ये एल्गी, जो कि आप लोग मेराइन एल्गी आप लोग देखने को मिलेगा, काई जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, अब उससे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल यहां से बनाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। और क्वेश्चन को आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, ये पहले वाला हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये डी वाला जो हो गया ये वाला हो गया सेकंड जनरेशन, और ये यहां पर थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको वैसे भी समझ सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का यहां पर एक ग्रुप बनाया था, जो कि यहां पर ये फोकस करने वाला था कि अगर कोई महिलाएं हैं वो वर्क प्लेस पर काम करने जाती हैं तो उनके साथ में कोई सेक्सुअल हरासमेंट न हो, यानी कि यौन उत्पीड़न उनके साथ में कोई भी न करे। अगर इस तरीके का एनवायरमेंट हम लोगों को सोसाइटी में बनाना है तो उसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए, तो ये अभी सेट किया था, क्या बिल्कुल सही है, जी हाँ, गवर्नमेंट यहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यहां पर सेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस मैटर से यहाँ पर डील करने के लिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस होता है। तो पहली स्टेटमेंट एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। ये जो ये ग्रुप है ये चेयर किया गया था होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ये होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा चेयर किया गया है, और यहाँ पर ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट सबमिट करेगा जल्दी ही, ताकि यहाँ पर देखा जा सके कि कैसा यहाँ पर इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हैशटैग मीटू कैंपेन आप लोगों को देखने को मिला, इसका मतलब यही था कि किस तरीके से महिलाओं के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट बना सकते हैं ताकि वो आसानी से रह सकें और अपने काम को आसानी से एंजॉय कर सकें। देखिए कहीं ना कहीं ये आर्टिस्ट को आर्ट से अलग करने का तरीका है अगर ऐसा हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए कोई महिला है
कपड़ा सीलना अच्छा जानती है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई कंप्यूटर के फील्ड में अच्छे सॉफ्टवेयर या फिर आईटी फील्ड में काम करना जानती है, अगर उसको वर्क प्लेस पे अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो वहां से अपना काम छोड़ देगी, घर पे आके बैठेगी, कोई और काम देखेगी। फिर क्या होता है, तो एक तरीके से जो आर्टिस्ट है जिस फील्ड का, जिस फील्ड में वो माहिर है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जा रहा है इस तरीके की सोसाइटी में कंडीशन की वजह से। तो इनडायरेक्ट वे में हमारी इकोनॉमी को भी एक ह्यूज लॉस इससे देखने को मिलता है अगर ऐसी एक्टिविटी सोसाइटी में रहती है। तो यहां पर आंसर सी हो गया। क्वेश्चन काफी आसान सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे कई बार आप लोगों के। बोला जा रहा है कि कौन सा प्लेस पे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है, यानी कि फ्लोरा और फ्यूरा कहाँ जा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और इंडेमिक एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हमारी कंट्री में पूछा जाता है और वेस्टर्न घाट आप लोगों के ऑप्शन में है तो हमेशा आग बंद करके आप लोग वेस्टर्न घाट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये हमारी कंट्री हो गई, और यहाँ पे जो वेस्ट वाला रीजन है ये वेस्टर्न घाट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी फ्लोरा एंड फ्यूना पेड़ पौधा और जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। इसके अलावा ईस्टर्न हिमालय बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय की जब बात करते हैं तो ये आप लोगों को हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा ये वाला रीजन है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में भी आप लोगों को यहाँ पर ये काफी अच्छा खासा फ्लोरा एंड फ्यूना यहाँ पर बड़े 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 जंगल और यहाँ पर पशु आप लोगों को या फिर पक्षी ये सारी चीजें लार्ज स्केल पर पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कुछ यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है इंटरनेट के साथ में, पर लेकिन जितना यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है उतना ही ज्यादा खतरा भी देखने को मिलता है आप लोगों को, साइबर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि जो भी यहाँ पर जो हैकर्स हैं उनके द्वारा जो अटैक किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पर इससे डील करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, तो ये यहाँ पर CERT इन यहाँ पर इसके साथ में डील करता है, और यहाँ पर ये एक नेशनल लेवल की एजेंसी यहाँ पर परफॉर्म करती है एक्शन। तो कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म इसके द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोग ये देखते हैं CERT, इसके सामने IN लगा हुआ है, इसी तरीके से CERT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पर इसके सामने IN लग चुका है तो इसका मतलब ये इंडिया की हो गई, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग ये रेस्पॉन्स टीम आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर परफॉर्म करती है अपने फंक्शन, किस तरीके से साइबर जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ में हम लोग डील कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या पर्पज है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को मेन पर्पज है, किस तरीके से कंप्यूटर फील्ड या फिर इंटरनेट के फील्ड में हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो काम क्या क्या करती है, कलेक्शन करने का, एनालाइज करने का, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है साइबर इंसिडेंट अगर कोई होता है उससे रिलेटेड, तो सबको यहाँ पर ये काम इसके द्वारा किया जाता है, सही है। फोरकास्ट करने के लिए, जिस तरीके से मॉनसून वगैरह आता है ना आप लोग, और जिस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग की जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी तरीके से यहाँ पर ये फोरकास्ट करती है कि क्या क्या यहाँ पर आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिससे कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इमरजेंसी मेजर्स यहाँ पर किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अगर यहाँ पर होते हैं, कोई ऐसे कोई खतरा होता है ये बताती है, कोऑर्डिनेट करती है अगर कोई इंसिडेंट्स होता है अलग अलग एक्टिविटीज में, इसके अलावा अलग अलग सिटीज में, तो किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आंसर यहां पर डी हो गया। कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट एक तरीके सिक्योरिटी यहां पर इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मंगलयान मिशन हमारा काफी न्यूज में रहा, बहुत सारे उसके रीजन थे, कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा अभी। देखिए, मंगलयान रीजन इतना आसान नहीं था, एक तो मंगल ग्रह पर चीजों को भेजना था तो आसान नहीं था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो भेजा गया ये रेड प्लेनेट भी बोलते हैं मंगल को, पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, नवंबर 2013 में ये यहाँ से भेजा गया, लॉन्च किया गया, और यहाँ पर काफी शानदार ये मिशन रहा हमारा। तो पहली स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, तो मंगलयान जिसको हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन आप लोग बोल सकते हैं लॉन्च किया रेड प्लेनेट यानी कि मार्स की तरफ को या फिर मंगल की तरफ को नवंबर 2013 में, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया जो थी थर्ड एशियन कंट्री थी जो कि यहां पर कहां पर पहुंची है, मार्स पर पहुंची है। अगर थर्ड एशियन कंट्री होती तो कोई इतना बात ज्यादा यहां पर पूछने वाला नहीं था, ये हमारी कंट्री जो थी फर्स्ट एशियन कंट्री थी, इसीलिए इतना ज्यादा यहां पर आप लोगों को शोर शराबा देखने को मिला इसके नाम पर। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसको जो भेजने में 450 करोड़ रुपए का खर्चा यहां पर किया गया, ओनली 450 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए तो हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेचू है उसको बनाने में लगाए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं यहां पर ओनली 450, तो इसीलिए इसको यहां पर ये बोला जा रहा था। और हाँ, ये कंपेयर करने के लिए जस्ट बताया, ये नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं इसको, कभी आप लोग नीचे ताओ में आकर उल्टे सीधे कमेंट लिखने लगे, मैं जस्ट आप लोगों को कंपेयर करके यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर इतना खर्चा इसमें आया है, और यहां पर ये मिशन काफी सस्ता था ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपेयर में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो। और थोड़ा सा देखिए एनालिटिकल माइंड रखा कीजिए, बीजेपी कांग्रेस इन सब चीजों से थोड़ा
सा दूर रखिए अपने माइंड को, एजुकेशन के तरीके से आप लोग फोकस देकर चलिए, क्या सही है क्या गलत है। ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं फ्यूचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने वाले हैं, अगर पार्टी के हिसाब से चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर खुद का अपना एक एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट करके चलोगे, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में डिसीजन ले पाओगे, तो तभी अच्छे से आगे चल के कुछ सर्वाइव कर पाओगे। वरना एक पार्टी आएगी दूसरी पार्टी जाएगी, पर लेकिन जो यहाँ पर पार्टी के चक्कर में रहता है उसकी वोट लग जाती है जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें आपको न्यूट्रल रखना है, क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर फोकस देना है, और हमारी कंट्री के लिए क्या सही है वो आप लोगों को फोकस देना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या सही है। ओके, तो काफी सस्ता ये मिशन यहाँ पर था। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर तो हो गया ये। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो छोड़ा गया था, ये आप लोग जो छोड़ा गया था वो मैंने अभी बताया, ये नवंबर में छोड़ा गया था 2013 में, पर लेकिन जो पहुंचा 24 सितंबर 2014 में ये अपनी कक्षा में पहुंचा जहां हम लोगों को ये पहुंचाना था, ठीक है। और छोड़ा कब गया था ये आप लोगों को बताइए, नवंबर 2013 में, 5th नवंबर भी आप लोग याद रख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, जो कि आज की ही डेट है। तो क्वेश्चन भी देखिए कितने शानदार टाइम पे डिस्कस किया जा रहा है, आज की ही डेट के दिन यहाँ पर इसको छोड़ा गया था। इसके अलावा फर्स्ट एशियन कंट्री है जो यहाँ पर ये वर्ल्ड में पहुंची थी, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंची थी, ठीक है। फर्स्ट और देखो, फर्स्ट तो एशियन कंट्री होगी, और फर्स्ट कंट्री ऐसी है जो वर्ल्ड में जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंची। अब तक जो भी कंट्री दूसरी यहाँ पर मार्स पर पहुंची है वो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पहुंची, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर ये मार्स पर पहुंचा, ये काफी इसलिए यहाँ पर इसका हाउल्ला देखने को मिला, और वो भी इतना सस्ता, ठीक है, तो इसलिए भी हाउल्ला देखने को मिला। तो कई सारे रीजन थे इतना ज्यादा इसके न्यूज में रहने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़े आप लोग आसान वाले क्वेश्चन है, अब इन पर नजर डालते हैं थोड़ा सा। बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर अभी रिसेंटली पॉलिटिकल क्राइसिस से होकर गुजरी है, जहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया पुराने प्रेसिडेंट से। ये सारा कारनामा आप लोगों को श्रीलंका में देखने को मिला, और जब द हिंदू डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को कार्टून भी बताया था वहां पर। तो तीनों के नाम आप लोगों को याद रखने, यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना प्रेसिडेंट है, रनिल विक्रम सिंघे प्राइम मिनिस्टर है, और जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, अब नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जो पुराने प्रेसिडेंट थे, ये है महेंद्र राजपक्से, ठीक है। तो नाम सबके पता होना चाहिए, कौन है आप, प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना, प्राइम मिनिस्टर है, आज के दिन में महेंद्र राजपक्से जो कि पहले प्रेसिडेंट थे, और रानिल विक्रम सिंघे को पिक्चर से हटाया गया, यानी कि उनको क्लीन बोल्ड किया गया है। तो ये है यहाँ पर श्रीलंका में पूरा घटनाचक्र। अभी 75 बिलियन का यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ में हमारे द्वारा साइन किया गया, तो ये किया गया जापान के साथ में, जहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पर थे। ये अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने रिसेंटली कि कौन सी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट सोवरन बॉन्ड यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, तो ये सीसेल्स के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किए गए हैं। ये कौन से है, ब्लू बॉन्ड है ये, यानी कि जो मैराइन लाइफ होती है या फिर समुद्र का जो पानी होता है किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसके ऊपर फोकस देकर यहाँ पर चला गया है, तो ये सीसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को यहाँ पर इसे ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाया था, एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पर पानी से जहाज को लाकर रखा जाता है और फिर वहां से पानी निकाल दिया जाता है ताकि जहाज को रिपेयर वगैरह किया जा सके, कोई प्रॉब्लम है उसको सही किया जा सके, या कोई अलग उसमें और रिस्क में डेवलपमेंट करना है तो वो किया जा सके, तो एक ऐसी जगह बनाई जाती है, तो इसको ड्राई डॉक बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पानी निकाल दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक अभी कहां पर बनाया गया, केरला में, ठीक है। तो केरला का अगर आप लोगों को नाम भी पता है तो आप लोग वैसे भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो कोचिन शिपयार्ड, ये है यहाँ पर, ये कोचिन शिपयार्ड जिसके द्वारा यहाँ पर इसको बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड, याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे जो नितिन गडकरी जी परिवहन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया इसको इनॉग्रेट करने के लिए, और केरला में अगर कोई भी डेवलपमेंट आज के दिन में होता है आप लोगों को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है कि 5th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड केयर ये अभी कहां पर देखने को मिली, तो ये आसाम में आप लोगों को देखने को मिली, काजीरंगा। मैंने आप लोगों को कई बार जिक्र भी किया था वहां पर, काजीरंगा आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को पता है, वन होन राइनोज यानी कि जो गेंडे होते हैं एक सींग वाले, उसके लिए काफी फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस पर्टिकुलर जानवर के लिए फेमस है, और ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आते भी हैं, कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर जानवर या पक्षी फेमस होता है जिसके नाम पर उसका नाम पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा फेमस है, तो हल्का सा आइडिया इसका आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया ने अभी ज्वाइंट कमीशन यहाँ से सेटअप किया था, और मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था ज्वाइंट कमीशन का जब नाम ले रहा था कि बायलेटरल मेटल को यहाँ पर डिस्कस किया जा सके, तो ये किया कतर के साथ में, ठीक है, कतर के साथ में किया है। हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी अभी यहाँ पर इसकी विजिट पर भी थी। तो ये टोटल आज का हमारा डिस्कशन, कैसा लगा आप लोगों को डिस्कशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और देखिए चीजों को एंजॉय करते रहिए और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। कम से कम आप लोगों को मिनिमम मेरे हिसाब से चाहे कोई भी दिन क्यों ना, त्योहार होली दिवाली या कोई भी दिन क्यों ना हो, जब तक आप लोगों की तबीयत और हेल्थ सही है तब तक आप लोगों को कम से कम 6 घंटे तो अपना निकाल ही लेने चाहिए। मॉर्निंग में निकाल
निकाल लीजिए 4-5 घंटे और फिर उसके अलावा एक आधा घंटा शाम को निकाल लीजिए, ठीक है। या मिनिमम 4 से 6 तो आप लोगों को रखना ही है, मिनिमम 4 से नीचे तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।